दोस्तों सदामनी, और जैसे कि हमारा पहले ही डिसाइड था कि हम पॉलिटी करेंगे, तो पॉलिटी का आज मैं पहला चैप्टर लेके आई हूँ, लक्ष्मीकांत का। और वैसे भी मैं आपसे ये कोई झूठे वादे नहीं करूँगी कि आप मेरी क्लास करिए तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा बस, लेकिन मैं आपको इतना कहूँगी कि अगर आप ये करेंगे, आप इसका रिविज़न करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर ज़रूर निकलेगा। क्योंकि आप जो भी करते हैं ये सब आपकी मेहनत रहती है, इसका क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है। तो सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इसमें क्या होता है, जब ब्रिटिश आए थे इंडिया में, वो कब की बात है, 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारे ब्रिटिशर्स जब आए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए, ओके। फिर क्या हुआ, एक्सक्लूसिव राइट्स इन ट्रेडिंग, मतलब एक्सक्लूसिव राइट्स दिया ट्रेडिंग का उन्हें इंडिया में अंडर क्वीन एलिजाबेथ वन, ठीक है। उस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ के अंदर में ट्रेडिंग राइट्स मिले। सबसे पहले हमारे पास है रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके रेगुलेट कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे उसके अफेयर्स को, क्या करना है, कैसे करना है, किस हिसाब से करना है। सेकंड, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में था कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म, ठीक है, पॉलिटिकल फॉर्म भी होगा, पॉलिटिकली क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव की क्या, कैसे गवर्न होगा, कैसे रूल्स होंगे, कैसे कंट्रोल होगा। थर्ड, ये फर्स्ट ऐसा था जो रेगुलेटेड हुआ था। थर्ड, और इसमें दूसरी बात आती है कि फाउंडेशन ऑफ द इंडियन इन इंडिया, मतलब इसमें क्या हुआ था कि इसका फीचर्स क्या हुआ, ये तो हमारा हो गया कि एक बेसिक बैकग्राउंड क्या हुआ, लेकिन इसमें फीचर्स क्या था। पहला, इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है, सॉरी, जो गवर्नर जनरल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स बनाई गई जिसमें फोर मेंबर्स थे, फोर मेंबर्स क्या कर रहे थे, वो असिस्ट कर रहे थे, मतलब गवर्नर जनरल की मदद कर रहे थे। और हमारा पहला गवर्नर जनरल, इंडिया का कौन था, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड वेरन हेस्टिंग, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ था, गवर्नर और जो बॉम्बे एंड मद्रास, मतलब बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसीज थी, ये बहुत बड़े थे एडमिनिस्टर करने के लिए, तो जब प्रेसिडेंसीज थी ये क्या कर रहे थे, सबऑर्डिनेट कर रहे थे, मदद कर रहे थे किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक है। अब गवर्नर जनरल को ये उनकी मदद कर रहे थे इस टाइम पे 1774, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट हमारा 1773 में आया, उसके एक साल बाद ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट आया, कहाँ पे, कलकत्ता में, हाँ, जो आज दिल्ली में है वही सुप्रीम कोर्ट आया कलकत्ता में। पहली बात क्या है, इसमें एक चीफ जस्टिस रहेगा और 3 जजेस रहेंगे। अब तो आज के सिनेरियो में बहुत चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, लेकिन पहला क्या होगा कि हमारा जो फर्स्ट जो रहेगा, एक रहेगा चीफ जस्टिस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, प्रोहिबिट टू सीक्रेट, मतलब जो इसमें कंपनी के जो सर्वेंट हैं उनको हमने रोका गया है, किस लिए रोका गया है, कि वो एंगेज नहीं होंगे, मतलब कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, जो उनको कंपनी का काम दिया गया है वो वही करेंगे, कोई भी प्राइवेट ट्रेड में एंगेज नहीं होंगे। और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहेगा रेगुलेटिंग काउंसिल से, ठीक है। अब इसमें क्या बात आती है, ठीक है, अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। अब पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया, उसने डिफरेंशिएट किया, क्या डिफरेंशिएट किया, इनने बताया कि कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन कंपनी के अलग अलग है, उसमें अलग अलग बदलाव आए गए। जैसे कि इनने क्या किया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसको बना दिया हमने कि वो कॉमर्शियल अफेयर्स देखेगा, लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो क्या मैनेज करेगा, वो पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करेगा। इसी टाइम की बात है जब क्या है, डबल गवर्नमेंट टाइम, इस टाइम पे क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एम्परर ने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, जिसे वो सुपरवाइज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, हमें ऊपर से ऑर्डर देंगे कि ये करना है, ऐसे करना है, चाहे वो सिविल मैटर हो, मतलब नॉर्मल फैमिली नॉर्मल रिलेटेड मैटर हो, या फिर मिलिट्री गवर्नमेंट मैटर हो, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल था, मतलब पूरी जो कंपनी के पूरे जो भी अफेयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन था उसका, सबसे ज़्यादा पूरा कंट्रोल किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। अब पिट्स इंडिया एक्ट के बाद चार्टर एक्ट 1833 आया। 1833 में क्या था, उनका मेन एम था कि हम सेंट्रलाइज करेंगे ब्रिटिश इंडिया को, एक बना देंगे, सेंट्रलाइज करेंगे, एक रूलिंग अथॉरिटी रहेगी, उसके हिसाब से हम रूल करेंगे। तो जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, मतलब जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, उसी को अब हमने क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो क्या करेगा, उसके पास दो मैटर्स थे, एक सिविल मैटर्स और दूसरा मिलिट्री मैटर्स। फर्स्ट कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उनको लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई, ठीक है, वो प्रेसिडेंसीज थी इसलिए उनको
इनको पावर देने वाली लेजिस्लेटिव पावर। अब क्या हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, मतलब जो गवर्नर बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स थे, लेजिस्लेटिव के एक्सक्लूसिव राइट्स थे। पहला, जिसके पहले के एक्ट थे, जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये वाले एक्ट्स में जो भी हुआ था उसमें क्या होता था, रेगुलेशंस बनते थे, उसके हिसाब से जो भी लॉज थे। लेकिन अब जब 1833 के बाद जो लॉज आए थे वो क्या बने, सीधे एक्ट बने, ठीक है। इससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज़ थी वो पूरी ख़त्म हो गई, कॉमर्शियल बॉडीज़ वाली, सीधे जो कॉमर्शियल बॉडीज़ थी उनको पैसा कमाना था, वहाँ से लेके वो क्या बन गए, एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, कंट्रोल करना, ये करना ये नहीं करना, तो उनने क्या कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी। अब और क्या हुआ, यहाँ पे एक ओपन कंपटीशन, ओपन कंपटीशन क्या, सिलेक्शन के लिए सिविल सर्वेंट्स, वही जिसकी आज हम तैयारी कर रहे हैं। इसका स्टार्ट एक बेसब कब बन गया था, 1833 में। लेकिन क्या हुआ था उस टाइम पे, इंडियन शुड नॉट डिबार्ड, मतलब इंडियन को लग गया था फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, ठीक है, प्लेस के, ऑफिस, एम्प्लॉयड, कंपनी, इन सब चीज़ों से उनको बोला गया था। अब इसके बाद जब इतनी प्रॉब्लम्स हुई, इसके बाद आया चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू आया था, तो इनने सेपरेट किया, क्या सेपरेट किया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। अभी तक तो ये एक साथ चल रहा था, लेकिन अब हमने क्या किया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस उस टाइम पे अलग हुए और किसके कंट्रोल में थे, गवर्नर जनरल काउंसिल के कंट्रोल में। अब गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, उसमें क्या हुआ, इंडियन गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही हुआ, सेंट्रल थी वो, उसको बोलते थे मिनी पार्लियामेंट। अब इसमें क्या हुआ, एक ओपन कॉम्पिटिशन होता था सिलेक्शन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए सिविल सर्वेंट्स, और इसमें इंडियन को ऐड किया गया, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो कंपनी का रूल था एक्सटेंड हुआ, कितना एक्सटेंड हुआ वो, कि पोजीशन मिली, जो इंडियन की पोजीशंस थी, को किया ट्रस्ट ऑफ द क्राउन, ठीक है। अब क्या हुआ, लोकल रिप्रेजेंटेशन, जो भी रिप्रेजेंटेशन था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, ठीक है, तो उसमें 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे और 4 लोकल मेंबर्स थे, ठीक है। और फिर इसमें क्या क्या प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, ठीक है। अब इसके बाद आया क्राउन रूल। क्राउन रूल की बात हम कब करते हैं, 1858 से 1947। अभी आप लोग को ये भी लगेगा कि हमने इसमें ज़्यादा डेट्स वगैरह फैक्ट्स क्यों नहीं बताया, हाँ इसलिए नहीं बताया क्योंकि यूपीएससी कंसेप्शनलाइज है, हमें प्री में एलिमिनेट करना है। और वैसे भी अगर मेंस का भी पेपर, तो उसमें कभी ये नहीं बोलेगा चार्टर एक्ट के बारे में बताइए 1850, ठीक है, अभी नहीं, वो बस ये बोलेगा ओपन सिविल कंपटीशन ये जो था, या ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज के लिए था, ये क्या अभी आया है फिर पहले से था, तब हम इसमें बता सकते हैं कि लीगेसी है, पहले से चल रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आपका जो आपको नोट्स बना रही हूँ या जो भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो कैसे कर रही हूँ, कॉन्सेप्चुलाइज, ठीक है, ठीक है। अब यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो हम एक बार फिर से एग्ज़ाम के पेपर्स चेक करेंगे तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा। अब क्राउन रूल की बात आती है 1858 से 1947। अब क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में, उसको क्या बोलते थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसको बोलते थे गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब एक ऐसा एक्ट जो गुड गवर्नमेंट लाया इंडिया के लिए। इसने क्या किया, अबॉलिश कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ट्रांसफ़र कर दी पावर्स को गवर्नमेंट की और टेरिटरीज अलाउ की। इसमें क्या, वो गवर्न अंदर हर मैजिस्ट्री, जो मैजिस्ट्री के अंदर गवर्न हो रहे थे, गवर्नर जनरल जो इंडिया था, अब क्या बना, वो सीधे बना वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला क्या था, वो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, जो ब्रिटिश क्राउन था वो उसका रिप्रेजेंटेटिव रहेगा इंडिया में। सेकंड, फर्स्ट वाइसराय, जो हमारा फर्स्ट वाइस, अभी जब हम वाइसराय बने था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तक हमने पढ़ा था, अब वो वहाँ से वाइसराय बना, तो फर्स्ट वाइसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अब इसमें क्या हुआ, जो डबल गवर्नमेंट का फीचर था, गवर्नमेंट का फीचर वाला, वो अबॉलिश हो गया। और क्या, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये पहले आए थे हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स में, वो सब फिर से अलग हो गया। एक न्यू ऑफिस बना, किसका, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, किसके लिए, सिर्फ इंडिया के लिए, मतलब अब ये रेगुलेट करेंगे या ये सेक्रेटरी बनके। अब उनका क्या काम था, वो मेंटर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, ठीक है, और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट की, क्या उनका एम, ठीक है, 15 मेंबर की काउंसिल थी टू असिस्ट, मतलब 15 लोगों की काउंसिल थी जो मदद करेंगे स्टेट में, फॉर इंडियन एडवाइजरी काउंसिल की। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो सेक्रेटरी द स्टेट का वो बॉडी कॉपरेट थी, कैपेबल ऑफ सीइंग बीइंग स्वीट, मतलब जो इंडियंस थे उन पे भी सी हो सकता है इन इंडिया, या तो इंडिया में या इंग्लैंड में, ठीक है। अब क्या होता है कि अपन इम्प्रूवमेंट हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का यहां से इम्प्रूवमेंट होना चालू हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 आया, 1892 आया, 1909 आया। 1861 में क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव हुआ, लॉ मेकिंग, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो वॉइस राइटर उसको नॉमिनेट किया था,
ओके तो इसमें क्या हुआ था, वॉइस रॉय बना दिया था हमने, वॉइस रॉय को इतना पावर दे दिया था, इतना एम्पावर कर दिया था वॉइस रॉय को कि वो रूल्स बनाए, ऑर्डर्स बनाए, ठीक है। उससे क्या हुआ, फिर ट्रांसफ़र किया गया, तो फिर पोर्टफोलियो सिस्टम आया, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम आया किसका, कैनिंग का, 1859 में। वॉइस रॉय काउंसिल ने क्या किया, इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब क्या क्या गवर्नमेंट में, उन्हें फाइनल ऑर्डर दे दिया बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे, ऑन दी काउंसिल। अब क्या हुआ, वॉइस रॉय तो जो उसने ऑर्डिनेंस पास किया विदाउट कन्वीनेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमरजेंसी हुए, फिर उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्ट, फिर अब क्या हुआ, एक्ट ऑफ 1892 का जब एक एक्ट आया था, तो इसने क्या किया, जो एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, मतलब जो ऑफिशियल मेंबर नहीं थे, नॉन ऑफिशियल थे, उनको भी पढ़ाया सेंट्रल में भी एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, ठीक है। इट इंक्रीज द फॉर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्म है उसको बढ़ाया, गवर्नमेंट ने पावर दिया डिस्कस करें, मतलब हमें पास पहली बार राइट मिला था कि हम डिस्कस कर सकें बजट को, एड्रेस कर सकें, मेंटेन करें ऑफिशियल मेजॉरिटी को। इट इंक्रीज लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो भी बढ़ाई गई, ठीक है, उनको पावर दिया गया कि वो डिस्कस कर पाए। फिर क्या हुआ, जो नॉमिनेशन थे नॉन ऑफिशियल मेंबर के, कहाँ कहाँ से थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉइसराय के थ्रू, फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। फिर क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था, फिर उसके बाद प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुई थी गवर्नर की, उसमें क्या होता, रिकमेंडेशंस, कहाँ कहाँ से रिकमेंडेशंस थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटी, मतलब सब लोग अपना रोल कर रहे थे, सबका इसमें कंट्रीब्यूशन था, इलेक्शन थे, ठीक है। अब क्या, नॉमिनेशन थे किसके बेसिस पे, ऑन द रिटर्न सर्टेन बॉडी, ठीक है दोस्तों। अब आया एक्ट ऑफ 1909, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, ये सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। इसको एक्ट ऑफ जो 1909 है, इसको मौले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। मौले कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे इंडिया के लिए, और मिंटो कौन थे, वॉइसराय ऑफ इंडिया। तो इनने क्या किया, इनने इंक्रीज़ किया सिस्टम को, ठीक है, इनने इंक्रीज़ किया साइज लेजिस्लेटिव काउंसिल की, कहाँ पे, सेंट्रल एंड प्रोविंस में। जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी हमारी, मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव में थे, हमने अलाउ किया था, उसमें क्या हुआ, पर्सनल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गए नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। अब क्या हुआ, डेलिब्रेशन होने लगा लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों लेवल पे, ठीक है। टू आस्क सप्लाई क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चंस पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस थे उनके पास, सब लोग क्वेश्चन, रिजोल्यूशन ऑन द बजट, ये सब उनके पास राइज थे। तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसराय गवर्नर भी बोलते हैं। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन थे, ठीक है, जो इसमें सेलेक्ट हुए थे, और लॉ मेंबर थे वो। जो सिस्टम था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम था, ठीक है, मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट बनाया गया, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में थे, तो सेपरेट इलेक्ट्रेट था। जो एक्ट था लीगलाइज, मतलब कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया गया था, मतलब जो कम्युनलिज्म था उसको लीगलाइज कर दिया गया था। और लॉर्ड मिंटो नाम याद रखिएगा, ये फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड है। मान लिया यूपीपीएससी या फिर नॉर्मल स्टेट पीसीएस पे आपसे ये पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट कौन था, लेकिन हाँ यूपीएससी तो अनप्रिडिक्टेबल है, हम इसको फिर भी रटना नहीं है हमें, लेकिन ऐसा भी आ सकता है लॉर्ड कैनिंग इज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट, तो वी कैन से कि नो, बी ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब क्या हुआ, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन हुआ, मतलब जो प्रेसिडेंसीज थी उनका सेपरेट हुआ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अलग हुआ, यूनिवर्सिटीज, ज़मींदार, इन सब का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हुआ, सबने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिया अपना। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ठीक है, 1999 में, इसको मॉन्टेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म बोलते हैं। ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉन्टेग्यू कौन थे, वो भी सेक्रेटरी थे, चेंज फोर्ड कौन थे, वॉइसराय थे। इनने क्या किया, रिलीज़ किया, मतलब जो सेंट्रल कंट्रोल था, प्रोविज़न था, इन्हें डीमार्केट कर दिया, सेपरेटिंग क्या किया, सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को बात दिया, इन्हें सेंट्रल की लॉ लिस्ट बना दिया। फिर क्या किया, स्ट्रक्चर, जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था उसको सेंट्रलाइज कर दिया, यूनिटरी कर दिया, एक कर दिया, ठीक है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड में डिवाइड हो गया, और रिजर्व में, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है हमारे उसको कौन हैंडल करता था, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर थे विद द एड ऑफ द मिनिस्टर, मिनिस्टर्स उनकी मदद करते थे। रिजर्व सब्जेक्ट्स गवर्नर, लेकिन इसमें हेल्प कौन करता था, इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल हेल्प करती थी विदाउट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या हुआ, डायर की आई, डायर की क्या होता है, डबल रूल, डबल रूल जैसे अभी भी चलता है, ठीक है, डबल रूल सेंट्रल और स्टेट जैसे अलग, बाइकैमरलिज्म आ गया, डायरेक्ट इलेक्शन होने लगे, पहली बार ऐसा हुआ कि डायरेक्ट इलेक्शन हुए। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैलेंस बिटवीन हुआ, अपर हाउस लोअर हाउस, ये ऐसे ऐसे बढ़ गए। अब क्या हुआ, 3/6 जो थे उसमें
काउंसिल इंडियन होने लगे, फिर प्रोविंस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ, फिर का प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, फिर हाई कमिश्नर ऑफ द ऑर्डिनेंस अंदर दिया गया, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन आए, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन आए, फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि प्रोविंशियल सेंट्रल बजट हुए, एंड उसमें क्या हुआ फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू, मतलब हमें अधिकार हुआ कि हम इसको डिस्कस कर पाए एग्जिस्ट बजट के लिए, और फिर एप्लीकेंट क्या हुआ स्टैचुरी, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हमने जब ये वाला एक्ट किया 1919, तो अब आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया था नवंबर 1927 में। ये किस लिए आया था, टू ईयर बिफोर द शेड्यूल, मतलब जो टाइम था उससे दो साल पहले ही आना पड़ा, क्यों, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एनेक्स किया 7 मेंबर स्टैचुरी कमीशन को, उसका चेयरमैन कौन था, सर जॉन साइमन, ठीक है। इनने क्या किया था, टू रिपोर्ट कंडीशन, मतलब उनको बताना है कि कंडीशन क्या है इंडिया की अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑल द मेंबर्स, जो भी मेंबर्स थे कमीशन के अंदर ब्रिटिश, ऑल पब्लिक बॉयकॉट, सब ने, पूरी जो पार्टीज थी उनने बॉयकॉट कर दिया कमीशन को। 1930 में क्या हुआ, डायरेक्टली अबॉलिश हो गई, जो रिप्लेस था रेगुलेटिंग गवर्नमेंट था उसको एक्सटेंशन और इस्टेब्लिश हो गया फ्रीडम क्या हुआ ब्रिटिश इंडिया का, फिर प्रिंसली स्टेट्स और कम्युनल इलेक्ट्रेट। अब क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल्स रखी थी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। लेकिन वाइट पेपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुआ था, रिकमेंडेशन, उसमें रिकमेंडेशन हुआ 1935 में। अब इसके बाद क्या हुआ, कम्युनल अवार्ड की बात है, कम्युनल अवार्ड क्या हुआ था अगस्त 1932 में, रामसे मैकडोनल्ड थे, ठीक है, वो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उनने क्या किया, माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कम्युनल अवार्ड्स बनाए। अवार्ड नॉट ओनली, मतलब सिर्फ इसलिए नहीं था कि सेपरेट इलेक्ट्रोड के लिए, मुस्लिम के लिए था, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, सबके लिए था, यूरोपियन, ठीक है, सबके लिए था। फिर क्या होता है, गांधी जी ने तो फास्ट एंड टू डेथ रखा था, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम और बटे, मतलब एक बार हमारे साथ ऐसा हो चुका था कि हम हिंदू मुस्लिम में बच चुके थे, पहले हम मिट्टी यूनिटी थी कि हम एक साथ रहते थे, लेकिन एक बार हम बच चुके थे हिंदू मुस्लिम में, और गांधी जी इससे ज़्यादा और बटना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस बेस पर भी हम कहीं ना कहीं बटे रहे थे कास्ट के बेस पर, और बंटवारा हो जाता हमारा इंडिया अंडर से और टूटता जाता, इसलिए गांधी जी ने फास्ट एंड टू डेथ रखा था। फिर वो इरवडा जेल में थे पूना के, पूना, ठीक है, फिर पूना पैक्ट आया, ठीक है, उसमें हिंदू ज्वाइंट इलेक्ट्रेट किया, उन्होंने क्या किया, रिस्टोर कर इस चीज़ को डिप्राइव्ड क्लास के लिए, जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, 321 सेक्शन में 10 शेड्यूल्स थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जो पूरे इंडिया के फेडरेशन थे, प्रोविंशेस में हुए, प्रिंसली स्टेट्स में हुए, ठीक है, तो फेडरल के में सेंटर था, फेडरल के लिए सेंटर था जिसमें 59 सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल के लिए हमारे पास था प्रोविंस 54 सब्जेक्ट एंड कॉन्करेंट जिसमें दोनों थे 56 सब्जेक्ट। रेसिडरी पावर किसके पास थी, वॉइसराय के पास थी, जो फेडरेशन था नेवर कम टू ब्रिटिश, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, जब हमारा ये एक्ट आया, साइमन कमीशन आ गया पहले से ही, साइमन कमीशन से क्या हुआ, डायर की अबॉलिश्ड हो गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई, ऑटोनॉमस यूनिट्स बने, ठीक है, फाउंडेशन हुआ, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन गई, एडॉप्शन ऑफ डायर की, डायर की लिया गया सेंटर में, ठीक है। अब सब्जेक्ट के दो में डिवाइड हो गए, एक हो गया रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें बाई कैमरालिज्म थे 11 प्रोविंस में, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया, 10% वोटिंग राइट भी दिए गए, RBI आया, ठीक है। फिर क्या हुआ, वही प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन आ गए, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इतनी चीज़ें आ गई। फिर इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट है 1947, अब इस टाइम तक आज़ाद इंडियंस को मिल चुकी थी। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्लेमेंट एटली, उनका ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तो 30 जून 1948 को आए थे, ठीक है। उनका पावर क्या था, ट्रांसफर द रिस्पॉन्सिबल हैंड, मतलब जो पावर्स थी वो किसके, इंडियंस के हैंड में देने के लिए। तो एजिटेशन का, एजिटेशन किसके द्वारा किया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया, कब, 3 जून 1947 को। अब लॉर्ड माउंटबेटन आए, वो वाइसराय ऑफ इंडिया थे, पार्टीशन के लिए उनको भेजा गया था कि उसको कि वो पार्टीशन करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, माउंटबेटन प्लान, ठीक है। फिर इसके फीचर्स क्या थे, इन्हें ब्रिटिश रूल इंडिया के ख़त्म कर दिए, इंडिपेंडेंस ऑफ रेट रूल दे दिया, डिक्लेयर कर दिया, कब डिक्लेयर किया, अगस्त 15, 1947 को, पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया को पार्टीशन कर दिया 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन में, कैसा, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान में। वॉइसराय को,
वायसराय का जो ऑफिस था उसको भी अबॉलिश कर दिया गया, और जो एम्प्रेस सेंट्रल असेंबली बनी गई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई टू डोमिनियंस के लिए, उन्होंने अडॉप्ट किया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट किया गवर्नमेंट इंडिया के लिए, एम्पावर किया गया अथॉरिटी बोथ दोनों डोमिनेशन के लिए, लेजिस्लेटिव और रिप्रेजेंटेटिव टेरिटरी दोनों के लिए। अब क्या हुआ, अबॉलिश हुआ ऑफिस, किसका ऑफिस अबॉलिश हुआ, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया के लिए। अब लैप्स ऑफ जो ब्रिटिश पैरा माउंटेंसी चल रही थी इंडिया पे अभी तक, वो भी लैप्स हुई, और इसका बेसिक हमें और अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री में समझ में आएगा क्योंकि उसमें हिस्ट्री अच्छे से कनेक्ट है। अभी हमने वही वही पढ़ा है जो हमें पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है, जितना पेपर सिलेबस के हिसाब से है हमें उतना जानना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप 3000 बुकें भर लो, कम पढ़े अच्छा पढ़े रिविज़न करें, और सबसे मेन बात है कि आप डिमांड के हिसाब से पढ़ें ना कि मार्केट के हिसाब से, ठीक है। अब क्या हुआ, गवर्न फ्रीडम, उनने क्या किया कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ज्वाइन करने के लिए उन्होंने बोला कि या तो आप डोमिनियन ऑफ इंडिया में आ जाओ या पाकिस्तान में आ जाओ, उन्होंने उनको अधिकार दिया कि आप डिसाइड, ठीक है, फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, उनको फ्रीडम मिली, ठीक है, ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी लैप्स हो गई, एनी हाउ चलो अब हुई, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक 1935 से न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया, डिप्राइव ब्रिटिश मोनार्क को डिप्राइव किया गया, जो गवर्नर जनरल थे उनके पास फुल पावर थी टू एसेंड टू हिज मेजेस्टी। अब क्या हो, गवर्नर जनरल पॉलिटिकल गवर्नर रिस्पॉन्सिबल, उनको काउंसिल दे दिया गया, जो टाइटल था ना एम्परर का उसको भी ड्रॉप कर दिया गया, डिसकंटिन्यू किया जो सिविल सर्विसेज थी और उसमें पोस्ट बाय डी ये सब उसको सबको अलग कर दिया, ठीक है। अब क्या हो, जो माउंट बैटन था फर्स्ट गवर्नर जनरल न्यू डोमिनियन के लिए, और पहला जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम बने हमारे, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें 1946 को हमने अडॉप्ट किया एज अ पार्ट ऑफ इंडियन डोमिनियंस, ठीक है। दोस्तों आज हमने पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर किया, अभी मैं आगे के और वीडियोज़ डालूंगी जिससे आप लक्ष्मीकांत से आप करते जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से कि एनसीईआरटी करना है ज़रूरी है मान लिया, लेकिन लक्ष्मीकांत से हमारा हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, कीप लाइक, अच्छे से पढ़े और आपका सिलेक्शन हो सकता है बिल्कुल।